Good afternoon, everybody. Today, my topic is packaging and practices of potato. So, here first is the economic importance of potato. And the botanical name of potato is Solanum tuberosum. Botanical name is also known as scientific name. So, scientifically, a potato is called as Solanum tuberosum. So, first is the economic importance. Potato is the most important food crop of the world. जैसे कि potato almost world के हर country में use किया जाता है as a vegetable. Potato is a temperate crop. Potato ऐसे areas में grow की जाती है जहाँ पर मौसम जो है वो ज़्यादातर ठंडा रहता हो. Potato is a crop which has always been the poor man's friend. Potato is being cultivated in the country for the last more than 300 years. Almost rate भी इसका cheap होता है market में और world के हर part में ये as a vegetable पाया जाता है, तो इसीलिए हम इसको poor man's friend भी बोलते हैं. हमारी कंट्री में मोर देन 300 इयर्स 300 सालों से इसकी कल्टीवेशन होती आ रही है. फॉर वेजिटेबल पर्पस इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रॉप इन द कंट्री. वेजिटेटिव पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटैटो जो है वो सबसे फेमस क्रॉप है हमारे इंडिया की. पोटैटोज आर एन इकोनॉमिकल फूड. दे प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ लो कॉस्ट एनर्जी टू द ह्यूमन डाइट. Potatoes are a rich source of starch, vitamins, especially C, vitamin C and vitamin B1 and minerals. So, हमारी जो nutrient requirements जो fulfill होती हैं potato से, वो हैं potato जो है वो carbohydrates का सबसे बड़ा source है. Carbohydrates में starch is a type of carbohydrate. विटामिन्स में हमें विटामिन सी और विटामिन B1 इससे मिलता है और बहुत सारे मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं. सो बेसिकली अगर पोटैटो को हमें अपने बैलेंस्ड डाइट में ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं. दे कंटेन 20.6% कार्बोहाइड्रेट्स, 2.1% प्रोटीन एंड 0.3% फैट, 1.1% crude fibers and 0.9% ash. So 20.6% content इसमें carbohydrates का है, 2.1% content इसमें proteins का है, 0.3% content इसमें है fat का और 1.1% content इसमें fibers का है. They also contain a good amount of essential amino acids. बहुत सारे essential amino acids जो हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पोटैटो उसका भी बहुत बड़ा सोर्स है. पोटैटो इज ग्रोन अब वो स्टेट्स के नाम बताए गए हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं पोटैटो की. सो फर्स्ट इज द हिमाचल प्रदेश, देन पंजाब, देन उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. ये स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं पोटैटोज की इंडिया में थ्रू आउट द ईयर. नेक्स्ट इज द वेराइटीज. सो दीज आर द नेम्स ऑफ द हाइब्रिड वेराइटीज जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है और जिस ब्रीडर ने उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है उन्होंने उस वेराइटी के साथ अपना नाम दिया है. सो फर्स्ट इज कुफरी ज्योति, देन कुफरी गिरिराज, देन कुफरी लॉवकर एंड लास्ट इज कुफरी स्वर्ण. ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज हैं. या तो इनका हार्वेस्टिंग टाइम कम रहेगा, मतलब डिजीज हाइब्रिड वेराइटीज वो होती हैं जो एक तो डिजीज के रेजिस्टेंट होती हैं, बहुत सारी डिजीज और पेस्ट के रेजिस्टेंट होती हैं ये वेराइटीज. मोर ओवर इनका जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो भी कम होता है, मतलब कम दिनों में ये कम दिन लेती हैं मैच्योर होने के लिए.
Next is soil. Loamy and sandy loamy soil, rich in organic matter with good drainage and aeration, are most suitable for cultivation of potato crop. So, sandy loamy soil जो है वो potato की cultivation के लिए सबसे ज्यादा preferable मानी गई है. Loamy soil में organic matter का जो content है वो सबसे ज्यादा होता है. और pH range जो है वो 5.2 से 6.4 होनी चाहिए soil की for the cultivation of potato. Next is climate. The vegetative growth of the plant is best at a temperature of 24 degree Celsius, while tuber development is favored at 20 degree Celsius. Flowering stage के लिए जो temperature preferable है environment में potato की crop के लिए, that is 24 degree Celsius. और tuber development के लिए, क्योंकि tuber ही है जिसको हम use करते हैं new crop की cultivation के लिए, so tuber development के लिए plant में जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का, दैट शुड बी 20 डिग्री सेल्सियस. सो ऑलमोस्ट ये एक ठंडे मौसम की क्रॉप है, मोस्टली विंटर क्रॉप है. सो समर सीजन में इसको हम हिल्स में लगाना प्रेफर करते हैं. हिली एरियाज में हम इसको समर सीजन में लगाते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ पड़ी होती है, तो उस टाइम पर इस क्रॉप को नहीं लगाया जा सकता. लेकिन हिली एरियाज में थ्रू आउट समर भी जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट ठंडा रहता है. सो हिली एरियाज में हम इसको समर्स में लगा सकते हैं, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हम इसको विंटर सीजन में लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पंजाब जो है हमारा, वो सब ट्रॉपिकल रीजन आता है, तो पंजाब में विंटर्स में हम लोग पोटैटो की कल्टीवेशन करते हैं. पोटैटो प्रोपोगेशन मीन्स कि एक प्लांट से नया प्लांट बनाने के लिए हम प्लांट उसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं. तो मेनली पोटैटो की ट्यूबर्स का यूज किया जाता है टू डेवलप न्यू प्लांट. लेकिन जो भी जो ट्यूबर्स का हम लोग यूज करने जा रहे हैं, वो ट्यूबर्स जो हैं वो ये हमने ध्यान रखना है कि वो डिजीज फ्री होने चाहिए. नेक्स्ट आती है कल्चरल प्रैक्टिसेस. लैंड प्रेपरेशन. द लैंड इज प्लोड एट द डेप्थ ऑफ 24 to 25 सेंटीमीटर्स. सो पहले हमने लैंड प्रेपरेशन करनी है पोटैटो की कल्टीवेशन के लिए. सो जो प्लोइंग करनी है हमने, जो खेत को जोतना है हमने, वो हमने 24 से 25 सेंटीमीटर तक उसको डीप प्लोइंग करनी है. प्लोइंग करना मतलब खेत को जोतना. नेक्स्ट इज सीजन ऑफ प्लांटिंग. पोटैटोज कैन बी ग्रोन only under such conditions where the temperature during the growing season are moderately cool. So जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक cool season crop है, तो जब भी हमने इसको cultivation तब ही करनी है जब इसका suitable temperature इसको मिलेगा. Means कि conditions should be cool. Next is method of planting. So furrows में हम इसको grow करते हैं. So एक furrow से दूसरे furrow का जो distance है वो होना चाहिए 50 to 60 सेंटीमीटर. और एक फरो में, एक रो में, जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जो डिस्टेंस है, दैट शुड बी 15 to 20 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट सीड रेट. पर हेक्टेयर लैंड के लिए हमें 1.5 से 1.8 टन्स सीड जो है वो चाहिए होते हैं फॉर राउंड वेराइटीज. और ओवल वेराइटीज के लिए, ओवल वेराइटी वो होगी जिसके सीड्स की शेप जो है वो एग से रिजेंबल करेगी. एग की जो शेप है दैट इज ओवल. सो ओवल सीड्स को की का जो सीड रेट है दैट शुड बी 2.5 टन. अगर हमने एक हेक्टेयर लैंड को एक हेक्टेयर लैंड को अगर सो करना है, तो उसके लिए जो सीड रेट है दैट शुड बी 2.0 to 2.5. नेक्स्ट इज वीड कंट्रोल. सो वीड कंट्रोल मेनली हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं, मैनुअली मीन्स हाथ से मीन्स कि मैनुअली भी कर सकते हैं. लेकिन बहुत बड़ा अगर एरिया है हमारा, बहुत बड़ी फील्ड है अगर हमारे पास, तो उसके लिए हमें हम वीडिसाइड्स का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैंडीमिथलिन एंड फ्लूक्लोरालिन.
ये वीडिसाइड्स हैं जिनका स्प्रे अगर हम करेंगे वाटर में मिक्स करके तो हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. देन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. प्लांट इसके पोटैटो की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. सो न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करेगी कि सॉइल में न्यूट्रिएंट की न्यूट्रिएंट का कंटेंट जो है वो सॉइल में कैसा है. अगर न्यूट्रिएंट कंटेंट सॉइल में कम है तो हमें उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, और अगर पहले ही सॉइल में न्यूट्रिएंट का कंटेंट ठीक है सो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देने की जरूरत नहीं है. मींस कि जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे. नेक्स्ट इज इरिगेशन. पहले जो इरिगेशन हमने देनी है उसकी ग्रोथ के लिए वो देनी है 5 to 7 days आफ्टर. फर्स्ट इरिगेशन शुड बी लाइट एंड गिवन 5 to 7 days आफ्टर प्लांटिंग, एंड सब्सिक्वेंट इरिगेशन आर गिवन एट 7 to 15 days इंटरवल डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन. जब हमने प्लांट को लगाया मीन्स की जब सीड को सो किया है सो उसके लिए जो हमें इरिगेशन देनी है वो देनी है 5 से 7 दिन के अंदर, मतलब 1 week के अंदर हमें उसको इरिगेट करना है जब हमने सीड को सो किया है. और उसके बाद जब प्लांट निकल आता है हमारा, उसके बाद हम डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, या तो हम उसको वीकली 1-1 week के इंटरवल के बाद भी पानी दे सकते हैं या फिर 2 weeks के इंटरवल के बाद भी हम उसको इरिगेट कर सकते हैं. दैट विल डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट. अगर बारिश हो रही है तो ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर हमें उसको 1-1 week के इंटरवल के बाद पानी देना पड़ेगा थ्रू आउट द ग्रोइंग पीरियड. और ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन हम इसके लिए प्रेफरेबल मानते हैं. ड्रिप सिस्टम होता है जिसमें हम लोग पाइप्स के थ्रू इरिगेशन करते हैं, पाइप चैनल के थ्रू हम अपने फील्ड में क्रॉप को इरिगेट करते हैं. नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग. सो मेनली 75 to 120 days लेता है पोटैटो पूरा ग्रोइंग पीरियड कंप्लीट करने में. और मीन्स आफ्टर 75 to 120 days हम पोटैटो को हार्वेस्ट कर सकते हैं, और जो इसकी यील्ड आती है दैट पर हेक्टेयर के हिसाब से 20 tons पर हेक्टेयर से लेकर 30 tons पर हेक्टेयर के हिसाब से, मीन्स कि 1 hectare लैंड से हमें 20 tons से लेकर 30 tons की यील्ड जो है हमें मिल सकती है. नेक्स्ट इज प्लांट प्रोटेक्शन. ये कुछ डिजीज के नाम हैं, कुछ पेस्ट और पैथोजेंस के नाम हैं जो क्रॉप को खराब कर सकते हैं. मेनली एक पेस्ट जो है वो एक वेक्टर होता है जो अपने अंदर पैथोजन को कैरी करके चलता है. मींस जैसे पेस्ट है वो एक इंसेक्ट होगा जो अपने अंदर बैक्टीरिया या वायरस या फंगस को लेकर चलेगा, और जब जहां जैसे ही वो प्लांट के ऊपर जाकर बैठता है वहां पर वो उस पैथोजन को छोड़ देगा और पैथोजन जो है वो रिस्पेक्टिव डिजीज कॉज करेगा. सो डिजीजेस के नाम हैं जैसे लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, कॉमन स्कैब, ब्लैक स्कर्फ, बैक्टीरियल विल्ट, सॉफ्ट रॉट एंड ब्लैक लेग. एंड पेस्ट इन पैथोजन के नाम है, जैसे पैथोजन में हम लोग वायरस को कंसिडर कर सकते हैं, एंड पेस्ट में हम लोग ले सकते हैं कटवर्म्स, व्हाइट ग्रब, एफिड्स, लीफ हॉपर्स, ट्यूबर मॉथ एंड माइट्स. ये सब पेस्ट के नाम है. थैंक यू.